हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। देखें, सीखे और म्यूजिक बनाए। थोड़ा म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मार्केट में कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे हम डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन भी कहते हैं। डॉ होते हैं हमारे जिसमें म्यूजिक बनाते हैं। सारे जो डॉ होते हैं सबका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन काम सारे एक ही करते हैं। तो ऐसा कोई भी माइंड में कॉन्सेप्ट मत रखना कि मैं इस वाले सॉफ्टवेयर पे करूंगा, उस वाले सॉफ्टवेयर पे करूंगा। सारे सेम काम करते हैं, सारे सेम कैपेसिटी के होते हैं। और इन ट्यूटोरियल्स के जो लेक्चर्स हैं, इनमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन के बारे में, किसको कैसे कैसे यूज करते हैं और कौन सी चीज क्या काम करती है। अरेंजमेंट्स कैसे होती है म्यूजिक की, ड्रॉप, हुक और कोरस, ये सब कहाँ कहाँ, रैप कैसे वैसे कहाँ कहाँ लगाई जाती है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, हम रिकॉर्डिंग सीखेंगे। मेलेडी वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, मेलेडी क्रिएशन के करते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होती है। फिर आगे चल के हम लोग सीखेंगे इसमें साउंड डिजाइनिंग, उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्री मिक्सिंग और उसके बाद मिक्सिंग, फिर मास्टरिंग और पोस्ट मास्टरिंग। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम थोड़ा डॉ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर FL स्टूडियो में ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा FL स्टूडियो जब हम खुलता है विंडो, कुछ आपको बाय डिफॉल्ट शायद इस टाइप की आपको विंडो दिखाई देगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाइल में आए और यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, मिनिमल और एम्प्टी। इससे क्या हुआ, जो हमारे सैंपल्स लगे होते हैं, किक, स्नेयर वगैरह, फिर क्या कहते हैं लिमिटर्स वगैरह लगे होते हैं, कंप्रेशन लगे होते हैं, वो सब हट जाते हैं। अभी पूरा ब्लैंक है, हम अपने हिसाब से इसमें रंग भरते जाएंगे। फर्स्ट ये होता है हमारा मास्टर वॉल्यूम, इसे हम बाय डिफॉल्ट वही रखते हैं जो होती है, इसको हम नहीं छेड़ते। बट ये मास्टर वॉल्यूम होती है, अगर इसका यहाँ से आप वॉल्यूम कम करोगे तो पूरे सॉन्ग का आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको वापस उसी जगह पे आने के लिए या तो इसको ऐसे नॉब को ला करके रखिए, लेकिन ऐसे में कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए सीधा राइट क्लिक, रीसेट। इसी तरह कीबोर्ड से करना है, आपके कीबोर्ड में अल्ट का ऑप्शन होता है, अल्ट और माउस की लेफ्ट की प्रेस कर देंगे, हो गया। ये हो गया हमारा पैनिंग लेफ्ट, अगर मैंने इस साइड कर दिया तो सारा लेफ्ट पैनिंग हो जाएगा, हमारा जो सॉन्ग है वो लेफ्ट साइड में सुनाई देगा, इधर कर देंगे तो राइट में सुनाई देगा। इसको वापस एंटर करते हैं, ऑल्ट लेफ्ट की, डन। पैटर्न मोड, सॉन्ग मोड, पैटर्न मोड में हम लोग जो रिदम क्रिएट करते हैं वो सुनते हैं या कोई मेलेडी वगैरह, और सॉन्ग मोड में हम जो पूरा सॉन्ग तैयार कर रहे होते हैं वो सुनते हैं। प्ले पॉज, प्ले करा ये यहाँ पे चल पड़ा टाइमलाइन बार, पॉज करा ये वहीं रुक गया, मैंने फिर प्ले करा ये स्टॉप, मैंने इसे स्टॉप कर दिया तो ये वापस स्टार्टिंग से शुरू होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग, ये होता है हमारी टेम्पो स्पीड, BPM जिसको हम बोलते हैं, बीट पर मिनट, कितनी स्पीड पर हमें अपना गाना बनाना है। ये होते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स मैं बताऊं आपको कि हमें कौन कौन से सॉन्ग्स, मतलब क्या क्या चीज़ किसमें रखी होती है, किक किसमें रखी है, स्नेयर किसमें रखी है, मेलेडी किसमें रखी है, बेसलाइन किसमें रखी है, तो ये पैटर्न आगे जाके हम समझेंगे इसके बारे में क्या होता है। फिर आती है हमारी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हिंट पैनल होता है, इसमें आप जिस पर भी कहीं पर भी लेकर के जाओगे ये उसका नाम आपको शो करेगा। सपोज मैं इस पर लाया स्टॉप, इस पर लाया प्ले पॉज, इस पर लाया रिकॉर्डिंग, तो ये जो भी हिंट पैनल जहाँ पे भी आप लेकर के जाओगे ये उसके बारे में बताएगा। तो हम यहाँ थे, ये हमारी प्लेलिस्ट, इसमें हम पूरा सॉन्ग तैयार करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, कैसे कैसे कहाँ पर क्या लगाना है, ड्रॉप का देना है और म्यूजिक का देना है, सब कुछ यहाँ पर हम करते हैं। ये हमारा पियानो रोल, इसमें हम लोग अपने मेलेडी क्रिएशन करते हैं, नई नई मेलेडीज बनाते हैं, हेड्स बनाते हैं, शेकर लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें लगाते हैं इसमें, तो एक एक करके हम सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट चैनल रैक, चैनल रैक में हम लोग अपनी रिदम बनाते हैं और कोई भी प्लगइन वगैरह लगाना होता है हमें यहाँ पे लगा करके हम उसको नए नए साउंड्स ट्राई करते हैं। ये होता है हमारा मिक्सर, इसमें हम पूरा सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं, फिर उसकी मास्टरिंग करते हैं जो फाइनल हमें आउटपुट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये होता है हमारा ब्राउजर, यहाँ से आप कुछ भी प्लगइन वगैरह चाहो तो लगा सकते हो, या फिर कोई आपका सैम्पल पैक वगैरह जो उसमें बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं, ड्रम्स किट वगैरह सब कुछ आप इसमें से देख के लगा सकते हो। जैसे एक ही है, ओके। तो ये हमारी मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है, हमारे काम आती है और इसी से हम लोग म्यूजिक बनाएंगे। आगे की जब जैसे जरूरत पड़ती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, ये होता है हमारा मेट्रोनोम, इसको ताल बोलते हैं, इसके बारे में एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे, क्योंकि ताल और सुर का ही मेल होता है, पूरा गाना बनता है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ठीक है, आज का ट्यूटोरियल इतना ही। अगर आपको म्यूजिक बनाना सीखना है, पूरा कोर्स सीखना है, तो आप अभी जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और आपको कुछ ना समझ आ रहा तो आप कमेंट से कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एवरीवन एंड लव यू ऑल।